हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉमलिंसन सरफेस मीटर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमने सरफेस टेक्सचर, सरफेस रफनेस के ऊपर ऑलरेडी दो वीडियोस बनाई हैं। पहले वीडियो में हमने सरफेस टेक्सचर के जो बेसिक पैरामीटर्स थे, जैसे कि ले, फ्लॉज, सरफेस रफनेस, सरफेस वेविनेस, ये डिस्कस किया था। एंड सेकेंड वीडियो में सरफेस रफनेस कि अगर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो अलग अलग पैरामीटर्स कौन से, जैसे कि RA, RY, RZ, RMS है, सो उनके फॉर्मूलेज भी हमने देखे थे। लेकिन सरफेस रफनेस की न्यूमेरिकल वैल्यू मैं तभी निकाल सकता हूँ जब मेरे पास सरफेस रफनेस की ये प्रोफाइल हो। तो सरफेस रफनेस की प्रोफाइल जनरेट करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसमें पहला इंस्ट्रूमेंट है टॉमलिंसन सरफेस मीटर। तो दोस्तों, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपको एक्सप्लेन करना है जिसका एक स्कीमेटिक है, तो डेफिनेटली आपको 5 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। पहला तो पॉइंट है कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन। मैंने एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि इसका मेन एप्लीकेशन यही है कि सर्फिस रफनेस की ये जो प्रोफाइल है, जो हमें दिखती नहीं है, वो मुझे मैग्नीफाई करना है, वो प्रोफाइल जनरेट करना है, दैट्स इट। दोस्तों, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर स्कीमेटिक आपने अच्छी तरह से ड्रॉ की है, तो डेफिनेटली ये चारों पॉइंट्स आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने दो व्यूज ड्रॉ की है टॉमलिंसन सरफेस मीटर के। पहला जो व्यू है वो है फ्रंट व्यू एंड ये है टॉप व्यू। सो पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ ये लिखना है कि इसमें कौन से मेजर कंपोनेंट है। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये है हमारा जॉब जिसकी सरफेस रफनेस प्रोफाइल मुझे चेक करनी है। उसके बाद ये है स्किड, ये कंपोनेंट इस स्टाइलस को, ये है स्टाइलस। स्किड एज ए डेटम काम करता है। स्टाइलस को जब मुझे पोजीशन करना होता है स्टार्टिंग में, मेजरमेंट में, तो स्किड की हेल्प लेके हम इसको पोजीशन करते हैं। उसके बाद ये जो स्टाइलस है वो इसके कांटेक्ट में है, इसको बोलते हैं लैप्ड स्टील सिलेंडर। यह है लैप्ड सिलेंडर और लैप्ड स्टील सिलेंडर। ठीक है, स्टाइलस इस लैप्ड स्टील सिलेंडर के फ्रिक्शन कांटेक्ट में है, लेकिन फ्रिक्शन कांटेक्ट में रखने के लिए 4-5 कंपोनेंट्स है। जैसे कि इसको इसके कांटेक्ट में रखने के लिए मेरे पास ये फिक्स सिलेंडर है, यह है फिक्स्ड सिलेंडर। ठीक है, ये दो फिक्स सिलेंडर है यहां पर। उसके बाद यहां कॉइल स्प्रिंग है, देन आपको यहां पर मिलेगी लिप स्प्रिंग, और ये बॉडी। ठीक है, स्टाइलस को इस लैप सिलेंडर के फ्रिक्शन कांटेक्ट में रखने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट है हमारे पास। कॉइल स्प्रिंग है जो कि इस तरफ फोर्स लाके इन दोनों को फ्रिक्शन कांटेक्ट में रखती है, लिप स्प्रिंग एंड कॉइल स्प्रिंग एंड बॉडी। ठीक है, उसके बाद इस लैप सिलेंडर को एक आर्म अटैच किया हुआ है, यह है आर्म, और इस आर्म के एंड पे आपको एक स्क्राइबर मिलेगा जो कि सरफेस रफनेस प्रोफाइल ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो यह है स्क्राइबर, इसका मटेरियल है डायमंड स्क्राइबर। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो पार्ट है जिस पे सरफेस रफनेस की प्रोफाइल ट्रेस की जाती है वो है स्मोकेड ग्लास, ये है स्मोकेड ग्लास। ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं मैं रिपीट करता हूं। स्टाइलस, डायमंड टिप्ड स्टाइलस जो कि फ्रिक्शन कांटेक्ट में है इस लैप सिलेंडर के, और इन दोनों को फ्रिक्शन कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए हमारे पास 4 कंपोनेंट्स है, कॉइल एंड लिप स्प्रिंग, बॉडी एंड 2 फिक्स्ड सिलेंडर। उसके बाद ये लैप सिलेंडर जो है वो एक आर्म को अटैच किया हुआ है, एंड इस आर्म के एंड पे आपको एक डायमंड स्क्राइबर मिलेगा जो कि सरफेस रफनेस की प्रोफाइल ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। और जहां जिस मटेरियल पे सरफेस रफनेस की प्रोफाइल ट्रेस की जाती है वो है स्मोकेड ग्लास। सो ये इसका फ्रंट व्यू है। टॉप व्यू में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो, ये जो डायमंड, ये जो स्टाइलस है, ठीक है, वो सर्कुलर है। सो एक सर्कल है जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये जो लैप्ड सिलेंडर है, लैप स्टील सिलेंडर,
वो सिलेंडर है, इसलिए टॉप व्यू में आपको रेक्टेंगल दिखेगा। उसके बाद जो दो फिक्स सिलेंडर है यहाँ पर जो दिखा है वो इस तरीके से है, जो क्या कर रहे हैं इस स्टाइलस को एंड इस लैप सिलेंडर को फोर्स करके उनका फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद इस स्टाइलस को, इस लैप सिलेंडर को एक आर्म अटैच है जो कि स्क्राइब, जो कि ट्रेस कर रहा है इस स्मोकेड ग्लास पे। तो ये स्मोकेड ग्लास है, ठीक है, ये आर्म है, ठीक है। तो ये मेजर कंपोनेंट्स हैं टॉमलिंसन सरफेस मीटर के। अभी हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ टॉमलिंसन सरफेस मीटर। सो इससे पहले आपको कुछ मूवमेंट्स हैं जो याद रखने हैं, सिंपल। पहले तो ये कंप्लीट असेंबली हॉरिजॉन्टली मूव होती है। यहाँ पर एक सिंक्रोनस मोटर यानी स्क्रू अरेंजमेंट होती है, वो स्क्रू अगर आप रोटेट करते हो तो इस कंप्लीट असेंबली को आप मूव कर सकते हो हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। ये पहली मूवमेंट है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अ स्टाइलस। ये स्टाइलस डेफिनेटली, स्टाइलस अगर इस सरफेस पे मूव होता है तो सरफेस रफनेस की वजह से इसको अप डाउन मूवमेंट से गुजरना होगा। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है, स्टाइलस की अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट एंड कंप्लीट असेंबली की लेफ्ट और राइट मूवमेंट। सो अभी क्या होगा, स्टाइलस अगर अप डाउन मूवमेंट या वर्टिकल मूवमेंट अगर स्टाइलस को होती है तो डेफिनेटली ये स्टाइलस इसके फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट में है इस लैप सिलेंडर के। सो इसकी वर्टिकल मूवमेंट लैप सिलेंडर की रोटेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो लैप सिलेंडर अटैच किया हुआ है आर्म को, अगर ये रोटेट होने की कोशिश करेगा तो आर्म भी रोटेट होने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से क्या हुआ, आर्म की स्विंगिंग मूवमेंट में इसकी रोटेशनल मूवमेंट कन्वर्ट हो जाएगी और आर्म के एंड पे हमने स्क्राइबर, डायमंड स्क्राइबर अटैच किया हुआ है। सो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड इसकी स्विंगिंग मूवमेंट इस रफनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगी और इस मोकेट ग्लास पे हमें रफनेस प्रोफाइल मिलेगी। मैं रिपीट करता हूं, जब ये कंप्लीट असेंबली राइट टुवर्ड्स राइट मूव होगी तभी स्टाइलस अप डाउन, उसकी स्टाइलस की मूवमेंट अप डाउन होगी। स्टाइलस की वर्टिकल मूवमेंट लैप सिलेंडर की रोटेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, लैप सिलेंडर की रोटेशनल मूवमेंट आर्म के स्विंगिंग मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड आर्म की स्विंगिंग मूवमेंट की हेल्प से एंड डायमंड स्क्राइबर की हेल्प से हमें रफनेस की प्रोफाइल मिल जाएगी स्मोकेड ग्लास पे। सो ये प्रोफाइल डेफिनेटली मैग्नीफाइड है, जो सरफेस हम चेक कर रहे हैं वो प्रोफाइल हम देख नहीं सकते, लेकिन जो प्रोफाइल हमें स्मोकेड ग्लास पे मिली है डेफिनेटली वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर नहीं भी देख सकते तो उसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की वजह से 50 से 100 गुना बढ़ा कर देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल ये दोनों कंसेप्ट यूज किए गए हैं। सो इसके वर्किंग प्रिंसिपल है मैकेनिकल कम ऑप्टिकल। सो मैकेनिकल का भी यूज किया गया है यहाँ पर एंड ऑप्टिकल का भी यूज किया गया है। सो मैकेनिकल कम ऑप्टिकल इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टॉमलिंसन सरफेस मीटर। तो ये था इसका सिंपल वर्किंग। अभी हम देखेंगे उसके एडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस इसकी ये है कि ये चीप एंड रिलायबल, ज्यादा कॉस्टली नहीं है या ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है इसकी कम है, वो इसका एक एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज बहुत है। पहला इसका डिसएडवांटेज है कि ये बहुत स्लो है ऑपरेशन में, इट इज स्लो इन ऑपरेशन। इसको मैं कंटिन्यूस मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकता, मास प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसका ऑपरेशन स्लो है। सेकेंड है इट कैनॉट बी यूज फॉर थीन एंड फ्रेगाइल मटेरियल, जो मटेरियल थीन है एंड फ्रेगाइल है इसके लिए मैं, और थीन और फ्रेगाइल मटेरियल का सरफेस रफनेस चेक करने के लिए मैं ये टॉमलिंसन सरफेस मीटर यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं यूज कर सकता, डेफिनेटली सी यहां पर ये जो है ये कॉन्टैक्ट टाइप सरफेस रफनेस टेस्टर है। बेसिकली देर आर टू टाइप्स, एक है कॉन्टैक्ट टाइप एंड दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। सो जब सरफेस के ऊपर कॉन्टैक्ट होता है, ये जो देखो एक डायमंड स्क्राइबर है, डायमंड ये हार्ड मटेरियल है, वो अगर सरफेस के ऊपर रब करेगा यानी वो सरफेस अगर थीन एंड फ्रेगल है तो डेफिनेटली वो सरफेस डिस्टॉर्ट होगा। सो इसलिए कॉन्टैक्ट टाइप सरफेस
मीटर थिन एंड फ्रेगाइल मटेरियल का सरफेस रफनेस चेक करने के लिए नहीं यूज किया जाता। तो यही रीजन है कि ये टॉमलिंसन सरफेस मीटर मैं थिन एंड फ्रेगाइल मटेरियल का सरफेस रफनेस चेक करने के लिए नहीं यूज कर सकता। एंड तीसरा डिसएडवांटेज है, इट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग। इसी तरीके से सरफेस रफनेस की प्रोफाइल जनरेट करने के लिए आप टॉमलिंसन सरफेस मीटर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है तेली सर्फ रफनेस टेस्टर, वो हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैकेनिकल रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।